दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने झारखंड की ओर से खेलने वाले रॉबिन मिंज को 3.6 करोड़ में खरीद कर रातों रात स्टार बना दिया। ये सिर्फ क्रिकेट और आईपीएल में ही मुमकिन है। बता दें कि रॉबिन मिंज आईपीएल में खेलने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर बनेंगे। रॉबिन झारखंड की ओर से खेलने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज है। रॉबिन की बेस प्राइस 20 लाख रुपये थी, लेकिन ऑक्शन के दौरान गुजरात ने 3.6 करोड़ में खरीद कर इस क्रिकेटर की किस्मत को बदल दिया। बता दें कि ऑक्शन के दौरान उनके ऊपर सबसे पहले बोली सीएसके ने लगाई थी, जिसके बाद मुंबई ने भी इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए बोली लगाना शुरू किया था। लेकिन इन दो फ्रेंचाइजी के बाद गुजरात ने भी बोली लगानी शुरू की और आखिरी बोली भी गुजरात ने लगाया और इस युवा खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल कर लिया। मिंज बेहतरीन विकेट कीपर के अलावा तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रॉबिन मिंज के आदर्श महेंद्र सिंह धोनी है और वो उनकी ही तरह अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। रॉबिन मिंज मूल रूप से झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। रॉबिन मिंज तब सुर्खियों में आए थे जब मुंबई इंडियन की नजर उन पर पड़ी थी। मुंबई इंडियन ने यूनाइटेड किंगडम में उनके प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की। वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम क्षेत्र में रहने वाले मिंज अभी तक रणजी ट्रॉफी में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन झारखंड की ओर से अंडर 19 और अंडर 25 टीमों का हिस्सा रहे हैं। रॉबिन मिंज के पिता एक सेवानिवृत्त सेना कर्मी हैं। अब रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर गार्ड के रूप में काम करते हैं। मिंज अपने दो बहनों के साथ अपना घर साझा करते हैं। वह आगामी सीजन में अपना आईपीएल डेब्यू कर सकते हैं। अंतिम 11 में शामिल होने के लिए उन्हें अनुभवी रिद्धिमान साहा से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। गुजरात टाइटंस टीम में उनका शामिल होना झारखंड के क्रिकेटर के लिए फ्रेंचाइजी की भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है।